I would like to draw your attention, because you all don't know that what is going to happen at the because of the drought by the end of the century. You can see India on this map, some of the western parts of India, and you see can see that majority of the India is in the moderate risk category, and only there are the hilly regions in India, especially the Himalayas, they are in the high risk category. That means they are going to be drier in the current condition. If you see the overall monsoon pattern in India, we are going to receive the same amount of rainfall. In fact, we may receive more amount of rainfall than what we actually receive. Maybe the precipitation content, if you see in the Himalayan areas, the rainfall will be definitely there in future also, but snowfall is going to be very low. So this is the area we should look into, and that is why I think we should concentrate more on working on the Himalayan areas, because they are in the high risk category. We have to work to see that how this changing scenario of climate change, where the rainfall will be there, water will be there in the season, like this season, June, July, August, and all these things. But what is going to sustain in the Himalayan areas, our perennial streams, the pasture land, the rangeland in Himalaya, they are going to be sustained because of the snowfall. Oh, sorry. मुझे हिंदी में बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने की. तो मेरे लिए हिंदी होगा, आपके लिए शायद उर्दू हो सकता है. हम दोनों मिला के उसको उतनी उर्दू जो है मान लेंगे, जो भी है. ठीक है, हाँ, हिंदुस्तानी बोल सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. हमने जो सीखी है हिंदी वो फिल्मों से सीखी है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में बात करूंगा. एक्चुअली मैं हिंदी में बात करना मैंने सोचा था कल मैंने सोचा कल एक्चुअली कल मुझे हिंदी में बात करना था, लेकिन सॉरी फॉर दैट, मैं आज बिल्कुल हिंदी में बात करूंगा. तो ये जो हिमालयन एरियाज है, ये हमारे हाई रिस्क कैटेगरीज में आते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे सर्दियों में जो स्नोफॉल जो होता है वो कम होने वाला है और हो रहा है, एक्चुअली आपने देखा हुआ है, और टाइमली स्नोफॉल होता नहीं है, लेकिन आपके पास बारिश हो रही है अच्छी खासी, और बारिश होती रहेगी. तो दिक्कत यह है कि ये इसमें जो है आपका क्लाइमेटिक जो कंडीशंस जो चेंज होंगे, आपके टोटली जो आपके पास्चर लैंड है, इसका जो हिमालयन जो स्ट्रीम्स है, इसके ऊपर काफी इसका प्रभाव पड़ने वाला है. इसीलिए हमारे लिए हम जो वाटरशेड मैनेजमेंट का जो बात करते हैं, तो हम लोग जो हिली एरियाज के लिए जो है स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट की बात करें, ये वाटरशेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज होती है, इसमें जो अप्रोच होता है, ये थोड़ा सा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से जो नॉर्मल उससे काफी डिफरेंट होता है. तो हम लोग स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट के ऊपर भी काफी अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं. अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम हमने डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो ये इसके लिए काम करते हैं. तो अभी आपने देखा होगा कि ये हमारा जो है मॉडरेट रिस्क कैटेगरी है, लेकिन जो है मैं आपके दूसरा मैप दिखाऊंगा इंडिया के लिए और हिमालयन एरियाज के लिए भी. आप बाकी देशों पे भी थोड़ा सा गौर करिएगा, आसपास के देश जहां से हम एक्चुअली अपनी तुलना करना चाहते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को बाकी देशों से, तो उनके ऊपर भी थोड़ा नजर डाल दीजिएगा. तो ये है आपका पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज. तो आप देखेंगे इसके अंदर कि हमारे जो मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में हमारा पूरा देश था, हिमालयन एरिया हाई रिस्क कैटेगरी में थे, लेकिन आप देखेंगे आज भी हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है. सो वी आर दी अमंग द मोस्ट वल्नरेबल नेशंस इन द वर्ल्ड, जहां पे जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफी एडवर्स, मतलब काफी बुरा होने वाला है. तो इसको थोड़ा गौर कीजिए और आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों, क्या है हमारे लिए जो हमको वल्नरेबल बनाती है. एक तो रिस्क तो हमारे लिए कम है, कहीं पे ज्यादा है, लेकिन हमारी वल्नरेबिलिटी इतनी हाई है, और स्पेशली हिमालयन एरियाज में तो वल्नरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है. तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्लाइमेट चेंज आने वाले साल में कितना बुरा प्रभाव लेके आ सकता है. तो क्या हमें वल्नरेबल क्या बनाता है? हमारा देश काफी बड़ा है और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारा जो होता है वो गांव में रहता है. 70% ऑफ पॉपुलेशन के आसपास हम कहते हैं गांव में रहते हैं, और उनका लाइवलीहुड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है उनका लाइवलीहुड की जो आजीविका है. तो इसके आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल रिसोर्स के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, तो ये सारा जिनका जो आजीविका है लाइवलीहुड उसके ऊपर खतरा
होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से. तो हमारे पास ऑलरेडी लाइवलीवुड्स जो है उसमें दे आर गोइंग टू लॉस्ट, मतलब खत्म हो सकते हैं अगर हम उस पर बदलाव नहीं लाते, क्लाइमेट के अनुसरण के चेंज के थ्रू अगर अनुसरण नहीं करते तो हम लोग जो है उसको लाइवलीवुड को बचा नहीं सकते. और हम लाइवलीवुड अगर गांव में नहीं बचा पाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि रूरल डिस्ट्रिक्स में जो है सभी लोग जो है पलायन करेंगे, माइग्रेट करेंगे शहरों की तरफ, जो अभी हो रहा है, कम हो गया है अभी फिलहाल में काफी टाइम पे, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा हो सकता है. इसीलिए हमारे लाइवलीवुड को बचाने के लिए हमें जो है इस पर काम करना चाहिए. पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आप देश में जानते हो, एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी आई डिपेंडेंसी है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है. ठीक है, हम लोग जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा जो है आबादी वाले मुल्क में आते नहीं, अभी हो चुके, चाइना से भी हम आगे जा चुके हैं. इतने सारे लोगों को हमें खाना खिलाना है, उनकी फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचना है. हमारे पास लॉन्ग कोस्टल लाइन है, यहाँ पे लगातार जो है कुछ ना कुछ जो है प्राकृतिक जो है डिजास्टर वगैरह होते रहते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, सुनामीज वगैरह आते रहते हैं. उसके बाद टू थर्ड एरिया अभी भी हमारा जो रेनफेड एग्रीकल्चर पे है, 68% जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वो जो है वो वाटर स्ट्रेस एरिया के अंदर आता है, मतलब जो वहाँ पे जो हमेशा जो है कंटिन्यूस कभी ना कभी जो है सूखा पड़ते रहता है. और तो अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें जो है हम लोग जो है अराउंड जो है हमारा मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो ग्राउंड वाटर पे होता है. हमारा जो किसान जो है आजकल जो है जितना खेती करके अनाज उपज रहे हैं, हमने पिछले बार भी रिकॉर्ड उत्पादन किया था कोविड टाइम में, तो हमने काफी बड़ा बदलाव लाया था हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह में. तो ये इरीगेशन से ज्यादा जो है ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी की वजह से आ रहा था. आगे हमें साल में भी जो है गवर्नमेंट को पता है कि वो ग्राउंड वाटर जो इरीगेशन जो है सभी जगह पहुंचा नहीं सकता है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. जितना डिमांड है उससे कई ज्यादा जो है उसको वो वाटर रिक्वायरमेंट होगी और हम लोग उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे. गैप काफी आगे आने टाइम पे काफी बढ़ने वाला है, तो हमारी ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी. इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज कराना जो हमारे लिए काफी बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है, और उसीलिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया हुआ है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अटल भूजल योजना बोलते हैं. इवन जो WDC PMKSY की जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे सबसे ज्यादा जो है फोकस किया गया है, और डिमांड साइड मैनेजमेंट पे काम किया, मतलब वाटर एफिशिएंसी के ऊपर काम करना है. वाटर को एफिशिएंसी कितना अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं इसके ऊपर हमें काम करना जरूरी है. तो ये जो है हमारा सिस्टम है. और भी बहुत सारे वल्नरेबिलिटी हमारे पास है, पॉपुलेशन वगैरह है, प्योर बिलो पॉवर्टी लाइन है, 1/3 के करीब क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है. माल न्यूट्रिशन की मतलब मैं नहीं कह रहा कि हमारे पास अनाज की कमी है, हमारे पास अनाज बहुत है. हम लोग तो एक्सपोर्ट भी करने की सोच रहे थे बीच में विश्व गुरु वगैरह बन रहे थे, लेकिन हमारे पास न्यूट्रिशन काफी पुअर है. हमारे पास जो है सीरियल क्रॉप्स है, प्रोडक्शन है, अनाज काफी है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर. तो न्यूट्रिशन के ऊपर हमें काफी फोकस करना चाहिए. ट्रायल मैरिजेस से हमारे पास ओपन डिफिकेशन का जो है वो प्रॉब्लम है, मैटरनल डेथ जो है होता है, चाइल्ड डेथ होता है, ये सारा चीज जो है बेसिकली वल्नरेबल बनाता है हम लोग को. तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन सारे वल्नरेबिलिटी को जो है फोकस करके इसको कम करना है. हम ये देखें कि हम जो है वल्नरेबिलिटी के ऊपर काम करें, इसको कम करें, ताकि अगर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं हमारी जो कोपिंग कैपेसिटी है जो किसी भी क्लाइमेट चेंज के इवेंट में होती है उसकी वो बढ़ जाएगी हमारी. तो कोपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है हमारे लिए हमारे ऊपर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उन वल्नरेबिलिटी को उसके ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है. और आप देखेंगे कि ये रूरल कम्युनिटी है, इनको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है. इनकी काफी लो अडेप्टिव कैपेसिटी है, क्योंकि बहुत बड़े फार्मर्स तो शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स जो हमारे देश में जो है वो या तो मार्जिनल फार्मर्स है या तो जो इनके पास लैंडलेस है, लैंड ओनिंग काफी कम है. तो इनके लिए जो है क्लाइमेट चेंज से जूझना जो है काफी बड़ी चुनौती होने वाली है. कुछ प्रोग्राम्स है जो डायरेक्टली फोकस करते हैं हमारे इस वल्नरेबिलिटी को सिर्फ रिड्यूस करने के लिए नहीं, बट हमारे NRM के ऊपर काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करते हैं. एक NRM दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल एजुकेशन मिशन है, महात्मा गांधी नरेगा है, PMKSY WDC है, और भी कई सारे प्रोग्राम्स है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके ऊपर भी जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी फोकस किया गया है. और आने वाले टाइम पे जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, एक अच्छी बात है कि आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा इस बजट के अंदर, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आने वाले टाइम पे बनाने वाले,
दे आर गोइंग टू बी क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो शायद आपने फोकस नहीं किया होगा ये इस बजट के अंदर। तो ये महात्मा गांधी जी है, तो इनका एक वाक्य मैं सेंटेंस बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी जो है सोसाइटी में जो अगर कोई कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स होते हैं, कोई आपदा आती है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तनाव होते हैं, लोगों के बीच में जो है वो भाईचारा वगैरह खत्म हो जाता है, गरीबी वगैरह सब चीज जूझते रहते हैं, एक तरफ से जो है काफी डिग्रेडेड कंडीशन हो जाता है, तो उसमें क्या कल्चर एक अच्छा है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी होती है, जैसे हम लोग आज हमारे भारत देश को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी मानते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? या तो हम लोग जो है चुपचाप होकर सब कुछ सहन कर सकते हैं और ये सोचेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, या फिर हम उसके जो डेफिशिएंसीज को जो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर फोकस करें और जो है इस कैटास्ट्रोफिक जो फेलियर्स हमको बचा सके, ये डिस्टॉर्शन से होता है, इसको करेक्शंस कर सके। तो ये इसीलिए जो है आई थिंक हमारे पास जो है ये महात्मा गांधी नरेगा जो है काफी अच्छी स्कीम है। मैं कल भी मैंने इसके ऊपर काफी बातचीत की थी, तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि एनहांस रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो उसका मेन फोकस है महात्मा गांधी नरेगा, लेकिन आज के टाइम पे महात्मा गांधी का फोकस जो है ब्रॉड एरिया काफी ब्रॉड हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग जो है आने वाले टाइम पे महात्मा गांधी नरेगा के थ्रू जो है हम लोग एनआरएम एक्टिविटीज काफी अच्छी कर रहे हैं, तो हम लोग क्लाइमेट प्रूफिंग की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट प्रूफिंग की जब हम बात करते हैं तो हमको जो है बहुत सारे चीजों के ऊपर वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन के ऊपर काम करना जरूरी हो जाता है, तो ये जो है ड्यूरेबल एसेट्स की वगैरह क्रिएट करते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा एक आपका ध्यान जो है हमने सक्सेसफुल एक पायलट किया था जस्ट कोविड से टाइम के पहले, कोविड की वजह से थोड़ा उसमें लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा उसको क्लोज डाउन नहीं कर पाए ठीक की वजह से, बट हमने काफी अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल एजुकेशन के लिए, तो हम लोग जो है उसमें लीड टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के तौर पर काम कर रहे थे, तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत वेल डिजाइन प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोजेक्ट जो हमें और भी क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसके ऊपर इसमें कुछ डेफिशिएंसी रहेगी उसके ऊपर हमें फोकस करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जो है बेसिकली जो है वो था कि हमें रूरल कैपेसिटी को जो है कैसे एडेप्टिव कैपेसिटी कैसे रूरल पावर को बढ़ानी है इन द सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करना है हमें क्लाइमेट चेंज प्लानिंग एडेप्टेशन को लेकर। तो ये जो था प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने ये बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स है, इसके अंदर पॉलिसी इनपुट्स वगैरह था, कैपेसिटी बिल्डिंग था, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग था, स्केलिंग ऑफ अप्रोच भी था इसके अंदर। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया था कि हमारे देश के जो दो सबसे मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स है जिसको हम लोग बिहार और मध्य प्रदेश कहते हैं, तो उसमें जो हमने दो पायलट्स किए थे, एक जहां दो डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट जहां पर जो है काफी हमेशा लगातार सूखा पड़ता रहता है और एक डिस्ट्रिक्ट हमने लिया था जहां पे जो है हमेशा जो है बाढ़ आती रहती है, तो एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और सूखाग्रस्त क्षेत्र, इन दोनों को हमने जो है वो पायलट किए थे दोनों स्टेट्स के अंदर। हमने कल 484 जो विलेजेस में इसमें पायलट किए थे, तो इसमें हमने क्या किया था बेसिकली कम्युनिटी एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेटरी डिसीजन को लेके काम किया था, कम्युनिटी स्मार्ट पैरा प्रोफेशनल्स को हमने क्रिएट किया था, हमने करीब जो है हमारे इंस्टीट्यूट में हैदराबाद में उनको जो है कम से कम 15-20 दिन का कोर्सेस के थ्रू जो है उनको एक कम्युनिटी स्मार्ट पैरा प्रोफेशनल्स को क्रिएट किया था जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम करते हैं। पार्टिसिपेटरी एक प्लानिंग टूल बनाया था, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग टूल, जो काफी बड़ा अच्छा टूल था और मुझे लगता है कि ये टूल जो है मुझे हमें हर जगह पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इम्प्रूव करके जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इवन फॉर दी पास्चर रेंज एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी है ये टूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो आप लोग इस टूल पे मैं बताऊंगा थोड़ा डिस्कस करूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम साथ में मिलकर इस टूल के ऊपर काम कर सकते हैं। हमने काफी पार्टनरशिप्स किए थे, कन्वर्जेंस किए थे, ये जो है हमारा स्लैक का जो हमने तीन एक्चुअली चार मेजर कंपोनेंट्स पे काम किया था, पहला प्रोडक्शन सिस्टम्स था जिसपे हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया था, क्रॉप रोटेशन, सीड बैंक जो मैंने बताऊंगा कि ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आने वाले टाइम के लिए जो है ये काफी बड़ा योगदान देने वाला है हमारे एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी के अंदर, काफी अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, बहुत सारे फार्मर्स जो है सीड बैंक के लिए काम कर सकते हैं क्योंकि
हमारे पास जितने भी सीड्स हम लोग जो बोते हैं, जो बेसिकली अच्छे वैरायटी के सीड्स हो, भी क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हो, ये सारे हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ICR इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं, और वो जब वो फार्मर्स के पास भेजते हैं तो फार्मर्स उसको प्रिजर्व नहीं करते, बेसिकली क्या होता है वो खत्म हो जाते हैं बाद में, और फार्मर्स जो है मजबूर हो जाते हैं कि वो सीड्स जो है बाहर से परचेज कर सके प्राइवेट कंपनी से, जो कि एक साल ही बो सकते हैं, उसको अगले साल आप बो नहीं सकते, उसमें कोई फसल उत्पादन नहीं आएगा आपको, वो जेनेटिकली ऐसा बनाया जाता है कि उसके बाद एक साल के बाद आपको उत्पादन नहीं देगा, प्रोडक्शन नहीं देगा, तो वो महंगे सीड्स खरीदने से अच्छा है कि विलेज लेवल पे सीड बैंक बनाना जरूरी है, अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, मतलब मेरे ख्याल से अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन हो सकता है। कल यहाँ एग्रीकल्चर से डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने बोला था हमने सीड्स वगैरह काफी डिस्ट्रीब्यूट किए थे पास्टर्स वगैरह में, तो हमें चाहता है ये जो पास्टर्स जो कमिटी है इनको हमें सीड्स बैंक डेवलप करना चाहिए, इनको साथ साथ जो ग्रेजिंग वगैरह करते रहते हैं इनको एक सीड बैंक का जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, वो सीड्स कलेक्शन करना चाहिए उनको पास्टर्स से, ताकि उस सीड्स को जो है वो प्रिजर्व कर सके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके और जगह फैला सके, तो ये काफी बड़ा सीड बैंक को लेकर काम हो सकता है पास्टर्स को लेकर भी। हमने बहुत सारी चीजों पर काम किया, हमने इकोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर काम किया, हमने फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर काम किया, उसमें वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी वो किया था हमने, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर काम किया था, क्रॉप वाटर बजटिंग को लेकर हमने शुरुआत की थी, और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हमने लगाए थे, हमने जो 484 विलेजेस यहाँ पे पायलट किए थे मध्य प्रदेश बिहार में, हमने क्या किया था उसमें ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन लगाए, और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन से जो है आपको डायरेक्टली जो है आप में जो है वो डाटा फीड होता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब देखना है कि बिजली वगैरह सब कुछ चल रहा है कि नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट काम उसमें आ रहा है कि नहीं, बस इतना ही देखना है आपको, और जो डाटा जो सर्वर पे जाएगा उसके ऊपर जो है हमने एक एजेंसी को हायर किया था, क्रॉपिन करके एक एजेंसी थी जिन जो है एग्रो बेस्ड एडवाइजरी रिलीज करती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एग्रो बेस्ड एडवाइजरी रिलीज करती है, बट वो लार्ज स्केल लेवल पे करती है, विलेज लेवल पे कोई या जो पंचायत लेवल पे जो है कोई एग्रो बेस्ड एडवाइजरी रिलीज नहीं होती, अगर वो हमें अगर रिलीज हो जाती है 3-4 दिन के इंटरवल के अंदर, तो हमारे जो एरिया में हमने जो देखा कि 50% ऑफ क्रॉप, मतलब आधे जो क्रॉप लॉसेस थे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन दैट इज एग्रो बेस्ड वेदर एडवाइजरी की वजह से हमने क्रॉप लॉसेस 50% रिड्यूस किए, दैट्स वाज अ बिग मेजर अचीवमेंट हमने किए, लेकिन ये थी कि बस वो एजेंसी को हायर किया गया था तो उन्होंने वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए थे तो बाद में वो अपने वेदर स्टेशन सारे उठा के ले गए, तो हम ये चाहते हैं, हमने गवर्नमेंट में भी काफी जो मैं बोलता रहता हूँ कि हर एक ग्राम पंचायत में जो है आपका एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन होना जरूरी है, ज्यादा खर्चा नहीं आता उसमें, 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है उसमें, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है, हर एक जगह पे जो है आपको जो है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जरूरी है, अगर हमारे पास ये होगा तो हम लोग जो है क्लाइमेटिक वेदर डेटा को जो है काफी अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे जो है आने वाले टाइम पे जो है फार्मर्स हमारे जो पास्टरलिस्ट है इसको जो अपने जो कामों को जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते, क्रॉप लॉसेस को सेव कर सकते, पेस्ट एंड डिजीज को अटैक्स को सेव कर सकते, काफी बड़ा इसमें बड़ा योगदान, वाटर जो देना होता है क्रॉप वाटर बजटिंग जो है वो हैवीली बेस्ड ऑन जो आपका माइक्रो रजिस्ट्रेशन का डेटा प्रोवाइड होता है, इसके ऊपर क्रॉप वाटर बजटिंग कर सकते हैं, काफी अच्छी इरीगेशन एफिशिएंसी हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है 1.5 लाख रुपया किसी पंचायत के लिए कोई बड़ा बजट नहीं होता, ये सब जगह इंस्टॉल होना जरूरी है, तो ये सारी चीजें हमने थी, और ये कन्वर्जेंस हुआ था हमारे पास जो है महात्मा गांधी नरेगा के साथ हमने कन्वर्स किया था, क्योंकि इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द फंडिंग नहीं आया था, 50 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट था, छोटा प्रोजेक्ट था, बट जो फंडिंग जो आने वाला था जो हमारे एक्टिविटीज प्रोग्राम्स के लिए जो हमने जो एसेट्स निर्माण करने थे वो सारे जो फंडिंग जो है महात्मा गांधी नरेगा के थ्रू ही हमने डेवलप किए, और उसके अंदर हमने जो है वो NLM जो नेशनल रूरल एवरी मिशन है उसके थ्रू भी किया था, और भी कई महिला कसन सशक्तिकरण प्रोग्राम के थ्रू किया था, हमने कई SHG ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया था बेसिकली इस चीज को लेकर, तो ये जो है हमने क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग टूल डेवलप किया था, मैं चाहता हूँ कि ये प्लानिंग टूल को और अच्छा डेवलप कर सके, इट्स अ डिसीजन मेकिंग टूल, हम लोग कई सारे डिसीजन मेकिंग टूल के साथ इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो ये ज्यादा नहीं कोई 2-3 दिन का एक्सरसाइज होता है, इसके अंदर जो है वो हम जो है टेक्निकल कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं, क्लाइमेट इंटरवेंशन को एड्रेस करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो है वो लाइवलीहुड पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं जब हमारा जो क्रॉपिंग सीजन होता है किसान का, जब मई जून से जब शुरू होता है उससे पहले जो हमको एक पार्टिसिपेटेड टूल को यूज करते हैं, और ये देखते हैं कि जो है वो क्या बेसिकली जो है वो उसको रिसोर्स मैपिंग होता है विलेजेस का, सीजनल लाइवलीहुड कैलेंडर डेवलप किया जाता है, अलग अलग कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट किया, अलग अलग कम्युनिटीज का अपना अपना अलग अलग लाइवलीहुड्स होता है, तो उनका सीजनल कैलेंडर होता है, उसके अंदर वो अलग अलग लाइवलीहुड से वो क्या इनपुट कॉस्ट देते हैं, कितना इनको इनपुट आता है, उनका आउटपुट क्या होता है, उनका प्रॉफिट कितना आता है, ताकि वो समझ सके हम जो भी लाइवलीहुड ऑप्शन ले रहे हैं उसमें प्रॉफिट और
लॉस का क्या रेशियो है, और अगर उसको हम लोग को सस्टेन करना है तो अलग अलग जो है उसमें लाइवलीहुड्स को हम क्या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइवलीहुड्स को जो है कम्युनिटी के परसेप्शन के बेस के ऊपर हम रैंकिंग देते हैं, क्लाइमेट रिस्क वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे रैंकिंग देते हैं, और उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे रैंकिंग देते हैं, लाइवलीहुड के बेसिस पे जो है जो क्लाइमेट रिस्क करते हैं, सारा ये रैंकिंग के थ्रू हम लोग एक मैट्रिक्स डेवलप करते हैं और उसके साथ हम लोग एडेप्टेशन मैट्रिक्स को लाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली डिटेल में टाइम नहीं है इसलिए बता नहीं पाऊंगा, बट इट्स अ वेरी गुड टूल। इसमें सेटेलाइट इमेजरी वगैरह जो होता है, एक ये जिस तरह का पार्टिसिपेटरी टूल वगैरह होता है, लोगों के साथ जो डिस्कस करके इसको बनाया जाता है। तो ये जो है वो इस तरह से हम लोग लाइवलीहुड्स को डिफरेंट आइडेंटिफाई करते हैं, क्लाइमेट रिस्क करते हैं, इनका प्रिपेयरनेस कितना है क्लाइमेट रिस्क को लेकर उसको आइडेंटिफाई करते हैं और क्या मेजर्स वो ले सकते हैं। ये जो है एक रिपोर्टिंग मैट्रिक्स अल्टीमेटली निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाजरा हुआ सीजन का क्रॉप है, तो उसमें क्लाइमेट रिस्क क्या एसोसिएटेड है, डिले मानसून हो सकता है, अर्ली विंटर मानसून हो सकता है, लॉन्ग ड्राई स्पेल हो सकता है, पेस्ट डिजीज वगैरह हो सकता है, तो उसके अंदर एडेप्टेशन ऑप्शन उनके पास क्या अवेलेबल है। और ये एडेप्टेशन ऑप्शन के अलावा, क्योंकि एडेप्टेशन ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद भी आप सारा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उनके पास उनको क्या स्पेसिफिक मेजर लेना चाहिए हर एक केस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिलेड अगर रेनफॉल होता है तो इस इवेंट में उनको क्या जो है वो करना चाहिए, क्या स्पेसिफिक मेजर्स लेना चाहिए। और अगर इसके साथ साथ अगर ये सारा नहीं काम करता है तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन देते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन अल्टरनेटिव जो होता है, हम लोग अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो केवी केस होते हैं आसपास के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होते हैं, या फिर जो अलग अलग जो क्या बोलते हैं नॉन फॉर्म लाइवलीहुड्स के ऊपर जो आजीविका एसआरएलएम वगैरह जो काम करते हैं, स्टेट रूल लाइवलीहुड मिशन काम के साथ, हम लोग एक एक्सप्रेस कंसल्टेशन के थ्रू जो है इसके ऊपर एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम बनाते हैं ताकि जो है उनको एक अल्टरनेटिव दे सके। क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे तो हमारे पास जो है डाइवर्सिफिकेशन काफी ऑप्शंस होते थे, इवन हम लोग जो क्रॉपिंग करते थे उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करते थे क्रॉप्स को लेके, लेकिन आज के मोनोक्रॉपिंग में हम लोग जो है वो जो रिस्क जो है वो इंश्योर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग जो है मोनोक्रॉपिंग करते हैं, अगर एक क्रॉप फेल हो जाए दूसरा क्रॉप किसान को बचाने के लिए नहीं होता है। अगर एक लाइवलीहुड ऑप्शन अगर आपका फेल हो जाता है या किसी वजह से उसको नहीं कर पाते तो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड क्या ऑप्शन है, बेसिकली क्या है कि आपके लाइवलीहुड को बचाना जरूरी है। जिसका डाइवर्सिफिकेशन अगर आप लाइवलीहुड को करते हैं तो सबसे बड़ी काम क्या करते हैं, आप जितने भी वल्नरेबिलिटीज होते हैं उसको आप रिड्यूस करते हैं। ऑल काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज कैन बी रिड्यूस इफ यू हैव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि उसमें इनकम जनरेट होता रहता है कंटिन्यूसली। अगर पैसा आना शुरू होता है अलग अलग सोर्सेज से तो आपके जितने भी काम वल्नरेबिलिटीज से कम हो जाते हैं, लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे, ये सारा चीज जो है वो काफी काम कर सकता है। तो ये टूल है, मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रिडंडेंटली हो सकता है, बाकी टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। विवेकानंद जी से मैं सुबह बात कर रहा था तो हम लोग इसके ऊपर एआई को लेके भी काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वगैरह को लेके भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट विवेकानंद जी को बताना चाहूंगा सर, हम लोग एक सेंटर हमारे यहाँ पे नया एस्टैब्लिश करने जा रहे, दैट इज सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स। तो एक नया सेंटर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ वर्कशॉप वगैरह किए, हम लोग फंडिंग एजेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डोनर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये काफी एक प्रोसेस है, हो सकता है अगर सारा सक्सेसफुल रहा है तो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट। तो ये जो है अभी ये महात्मा गांधी नरेगा का, तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि वी आर 262 वर्क्स, उसमें 182 एमआरएम के ऊपर बेस्ड है। ये आप देखोगे कि ये रेशियो जो है काफी नंबर ऑफ वर्क्स भी जो है पिछले 5-6 सालों में जो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डेफिनेटली महात्मा गांधी नरेगा का जो कंट्रीब्यूशन अलग में रिकग्नाइज किया जा रहा है, उसमें से 85 वर्क जो है स्पेशली वाटर रिलेटेड है, एग्री एंड अलाइड वर्क्स के लिए, इसमें जो है लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड बेस्ड प्रिंसिपल, ये सारा जो है काफी फोकस रहने वाला है। एक अप्रोच जो इसमें एक दिक्कत आती है हमेशा हमने नोटिस की है, इसलिए पीएम केस वाई डब्ल्यूडीसी का सेकंड फेज में हमने उसको इंक्लूड किया गया है कि लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री के ऊपर और हाइड्रोलॉजी के ऊपर बेस हम लोग कोई प्लान प्रिपेयर नहीं करते, जो हमने डीपीआर बनाते हैं उसमें ये इंक्लूड नहीं करते। तो अभी जो हमने जो डीपीआर बनाए हैं इसमें हमने ये किया कि एटलीस्ट 10% ऑफ डीपीआर शुड बी बेस्ड ऑन लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री और जो आपका जो हाइड्रोलॉजी के ऊपर बेस होना जरूरी होता है। तो ये आने वाले टाइम पे 100% इवन महात्मा गांधी नरेगा के जितने भी वर्क्स है इसके लिए भी जो आपको जो है एलआरआई बेस्ड ही आपको प्लानिंग करना जरूरी होगा।
अगर आप नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू स्पेंड द फंड प्रॉपरली। और जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स जिनको एक्चुअली डिस्ट्रेस है यहाँ पर, वहाँ पे जो है स्पेंडिंग जो हार्डली 46% हो रहा है, मैक्सिमम 70% से ज्यादा फंडिंग कहाँ पे हो रहा है, स्पेंड हो रहा है महात्मा गांधी का पैसा जो है वो केरल और तमिलनाडु के स्टेट्स का हो रहा है, जहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इतना डिस्ट्रेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग प्लानिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे इस चीज़ को लेकर। तो ये प्लानिंग प्रोसेस काफी जरूरी है। तो ये महात्मा गांधी नरेगा के जो कैटेगरी ए वर्क्स जो होता है उसके अंदर जो है वो ग्रासलैंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली प्रोविजन किया गया है इंडिविजुअल कम्युनिटीज को लेकर, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट के लिए पे सिल्वी पास्टर्स को लेकर। काफी कल कोई बता रहा था कि सिल्वी पास्टर्स को हम लोग नोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन सिल्वी पास्टर सिस्टम के लिए स्पेशल प्रोविजन है इसके अंदर। और कैटेगरी बी में जो इंडिविजुअल वर्क्स के लिए होता है उसके अंदर भी जो है पास्टर डेवलपमेंट, फॉडर फार्म, पेरिनियल ग्रास लाइक वेटिवेटिवर के लिए मैं बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है महात्मा गांधी नरेगा के अंदर उन्होंने काफी अच्छा किया कि उन्होंने अपने रिवर्स बैंक्स में कई जगह पे उनके पास प्लांटेशन नहीं हो सकता था, टाइम नहीं था और प्लांटेशन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने वेटिवर ग्लास को पूरे जो अपने रिवर बैंक्स में स्प्रेड कर दिया। तो काफी सॉइल कंजर्वेशन के लिए काफी हेल्प करता है, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। तो उसमें जो है लाइफ स्टॉक प्रमोशन होता है, पोल्ट्री शेल्टर, गोट शेल्टर वगैरह सारी सब कुछ प्रोविजन होता है। तो मुझे लगता है कि ये फोकस करना जरूरी है और काफी कुछ लोग कर भी रहे हैं इस चीज को लेके। तो ये एक मैंने बताया, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ऑलरेडी जो मैंने इनको पेपर जो सबमिट किया था जो प्रिंट हुआ आपके पास कॉपीज होगी, इसके अंदर ये हमने दिया है कि अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर, वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सारा चीजें जिसमें हम लोग जो है वाटर कंजर्वेशन को हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एफॉरेस्टेशन नेटिव स्पीशीज स्टॉक्स को ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, फॉर्डर क्रॉप्स के ऊपर काम कर सकते हैं हम लोग। तो ये स्टडी है, मैं सिर्फ बताऊंगा कि मैंने कल ही रात को इसके स्टडी को डिस्कवर किया जब मैं देख रहा था, और FES ने राजस्थान के अंदर जो है काफी अच्छा काम किया हुआ है। मुझे लगता है FES इसको डेफिनेटली अवॉइड करेंगे इसको लेकर। तो जहाँ पे इन्होंने पास्टर्स लैंड को काफी अच्छा डेवलप किया है, तो ये देखिए पहले बिफोर एंड आफ्टर सिनेरियो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, वेस्ट लैंड को पास्टर लैंड में कैसे कन्वर्ट किया, डिग्रेडेड लैंड को फॉरेस्ट लैंड में किस तरह से कन्वर्ट किया गया है, ये सारे महात्मा गांधी नरेगा के थ्रू ही किया गया एक्टिविटीज के थ्रू। ये एक और बिलवाड़ा के जब्स का हुआ है, सिल्वी पास्टर्स के लिए पोंगा में पिनाटा एक काफी अच्छी स्पीशीज है, उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो। ये सारा आप जो अलग अलग जो है वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, स्पेशली ये जो है हम लोग जो पास्टर्स के लिए हिल एरियाज के लिए अलग से स्प्रिंग शेयर मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए अलग से एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दे रखी है अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज। तो मुझे लगता है जब आप हिल एरियाज के लिए जब करेंगे तो आप स्प्रिंग शेयर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जरूर फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर डॉक्टर रविंद्र जी, आपने हम सभी को काफी इनलाइटन।